चलिए आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पिछला वीडियो जो अभी हमने अपलोड किया था तो थोड़ा सा डायरेक्टर सर का एक परिचय था, उन्होंने अपने विद्यालय के बारे में बताया था, उनका क्या मिशन है, क्या उद्देश्य है, उस विद्यालय को लेकर के ग्रामीण अंचल में क्यों खोले हैं, सारी चीज़ों को बताए थे। तो फिलहाल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे वीडियो में आपको हमने दिखाया था, प्रेयर का सीन है। तो बच्चों की और भी एक्टिविटीज़ हम ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान होता है। तो ये बच्चे हैं यहाँ के माउंट्स व्यू इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पकड़ी दुबे, जिला गोरखपुर में विद्यालय पढ़ता है। तो एक क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनके भी विचारों को हम जाने, ये पढ़ लिख करके आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या फिर इनके मन में ऐसी कौन सी विचारें हैं। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थी ही हमारे देश का भविष्य होते हैं, तो आइए फिलहाल इनसे हम कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय, गुड। क्या नाम आपका? हर्षवर्धन राज। हर्षवर्धन राज, अच्छा बताइए यहाँ पर आए हैं पढ़ने, एक अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं, तो क्या सपना है आपका? मेरा ये सपना है कि मैं पढ़कर आर्मी ज्वाइन करूं। क्या बनूं? आर्मी ज्वाइन। आर्मी? यस सर। फौज में जाना आपको? यस सर। और फौज में जाकर देश की सेवा करनी है, बहुत इनके लिए ताली बजा दीजिए आप। बहुत अच्छा, सर आइए। आपका नाम क्या बाबू? साकिब रजा। अच्छा अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? यूपी पुलिस में जाना है। यूपी पुलिस में, ये बहुत अच्छा, शुभकामना है। ये बताइए मेहनत कैसे करते हैं पढ़ाई लिखाई? मतलब जैसे सुबह को और शाम को पूरा दो दो तीन तीन घंटा पूरा टाइम देते हैं, और पूरा एग्जाम के टाइम पे वो और बढ़ जाता है, तो उसी से आगे और बढ़ाना है, तो फिर आगे जाके तैयारी। देखिए विद्यार्थी जीवन बड़ा कष्टमय भी होता है और बहुत गोल्डन समय भी होता है, ठीक है ना? तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने सपना सजोया है वो निश्चित रूप से आप बनेंगे। क्योंकि जो सपना देखता, सपना देखना अच्छी बात है लेकिन सपनों में खो जाना गलत बात है। क्या नाम आपका? अस्मिता भारती। अस्मिता भारती, अच्छा अच्छा तो क्या सपना आपका बताइए? सर डॉक्टर बनूं। डॉक्टर? यस सर। चलिए बहुत अच्छा है, शुभकामना है। एक बताइए डॉक्टर बनना है तो ये डॉक्टर बनने का सपना कहाँ से आया आपको? मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि बन जाएंगे तो सबकी मदद करेंगे। अच्छा अच्छा, जैसे मरीजों को देखती हैं, समाज में बीमार लोगों को देखती हैं, तो मन में एक भावना जगी कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, और सेवा करूं। चलिए बहुत अच्छा, क्या नाम आपका? भूमि राय। भूमि राय, चलिए तो क्या सपना आपका? सर डॉक्टर। डॉक्टर? यस सर। चलिए बहुत अच्छा, सपना पूरा। तो क्या कैसे मेहनत करते हैं आप? सर अच्छे से ही। तो डॉक्टर बनने का सपना कैसे है? सर घर के लोग, मतलब चाचा, घर के लोग हैं तो उनसे प्रेरणा आपको मिली है। एक चीज बताइए, जैसे समाज में बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ शादी विवाह अन्य फंक्शनों में डीजे बहुत तेज श्रील साउंड में लोग बजाते हैं, तो क्या इसे कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ता है क्या? बाय डिफॉल्ट क्या पड़ता है बताइए? सर लाउडनेस होती है और पॉल्यूशन भी होता है, नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। सर नॉइस पॉल्यूशन भी होता है, उसे क्या डैमेज होता है, कौन सा अंग डैमेज होता है? सर अगर कहीं पे डीजे बजता है तो हम बच्चे स्टडी नहीं कर पाते हैं अच्छे से, इसलिए कभी परीक्षाएं होती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो अपने लिमिट में बजाने की कोशिश करिए। आपका नाम क्या है? अनुष्का मिश्रा। अनुष्का मिश्रा जी, आप पढ़ती हैं, अच्छे से पढ़ती हैं, क्या सपना आपका? सर डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना आपको भी? बहुत अच्छा है, देखिए डॉक्टर बनकर, अभी बहुत हमारे देश में डॉक्टर की कमी है, तो आप ही जैसे लोग डॉक्टर बनेंगे, एक बेहतर तरीके से मरीजों की सेवा करेंगे, ठीक है ना? और क्या कहना चाहती हैं ऐसे डीजे को लेकर के, आपकी क्या राय? सर डीजे ऐसा है कि स्टडी में हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बहुत लोग, अंगों को भी नुकसान करता होगा कोई? यस सर, दिमाग को भी वो करता है, ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है और हार्ट फेल हो सकता है। चलिए आपका नाम क्या है? सर प्रिया यादव। प्रिया यादव जी, तो आप क्या सपना आपका बताइए? सर आईएएस। आईएएस, आपके विद्यालय का नाम क्या है? सर माउंट्स व्यू इंटरनेशनल स्कूल। माउंट्स व्यू इंटरनेशनल स्कूल। सबके स्पेलिंग बताएंगे? यस सर, एम ओ यू एन डी एस माउंट्स वी आई ई डब्ल्यू व्यू आई एन टी ई आर एन ए टी एन। बहुत अच्छा, गुड। क्या बनना चाहते हैं आप? सर डॉक्टर। डॉक्टर?
चलिए बहुत अच्छा, आपका नाम क्या है? सर शिवानी सिंह। शिवानी सिंह। शिवानी सिंह जी, क्या सपना है आपका? सर डॉक्टर बनने। डॉक्टर बनना है, चलिए शुभकामनाएं आपको। पढ़ाई कैसे कर रहे हैं आप? सर अच्छे से। ठीक है, आपका नाम? प्रिया मौर्य। प्रिया मौर्य जी, आपका क्या सपना है? आईएएस। आईएएस, चलिए। आपका? सर अनुप्रिया गौरव। अनुप्रिया, तो मेहनत करना अच्छा लगता है? ये मेहनत से भागना अच्छा लगता है? सर मेहनत करना अच्छा लगता है। और किसी में आप इंटरेस्ट लेते हैं, कोई हॉबी आपका? चलिए अपने विद्यालय के बारे में कुछ बताइए, खासियत। आप यहाँ क्यों पढ़ती हैं, क्यों अच्छा लगता है? अगर मैं कहूँ चलिए मैं एडमिशन करा दूसरी जगह, तो क्या कहेंगे? सर यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती है। मतलब क्या बाबू? प्रियांशु यादव। प्रियांशु यादव जी, क्या सपना आपका? यूपी पुलिस। यूपी पुलिस, चलिए बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? अमन यादव। अमन यादव जी, आप भी मुझे लगता है सिपाही में बने, है ना? दरोगा। कुछ संदेश देना चाहते हैं आप पब्लिक को, सड़क पर सुरक्षित कैसे रहें हम? सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें और हमेशा अपनी मतलब एक स्पीड में चलें जिससे आप कंट्रोल कर सकें, तब चलें। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ जो ये मिरर जो होता है साइड देखने वाला, तो लोग डाउन कर देते हैं, तो क्यों डाउन कर देते हैं, क्या नुकसान होता है उससे? लोग शो बढ़ाने के लिए डाउन कर देते हैं, लेकिन अपने सेफ्टी के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत अच्छी, देखिए बालक जो है अभी इनकी उम्र कितनी है, लेकिन इनको पता है अच्छी तरह से, तो ऐसे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। वो साइड देखने के लिए होता है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, या फिर हम ओवरटेक करना चाहते हैं तो पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, पीछे गाड़ी आने वाली को लोकेशन का पता चलता है। चलिए, आपका नाम क्या है? आर्यन यादव। मुझे लगता है आप भी सिपाही में जाएंगे। सर चलिए बहुत अच्छा। कृष्णा राय। आपकी? इंजीनियर बनना है। चलिए, यही कि यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है और टीचर भी ध्यान दे रहे हैं बच्चों के ऊपर। आप लोग भी ध्यान, टीचर ध्यान देकर क्या करेंगे जब आप लोग लापरवाही करेंगे, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उनका दिशा निर्देश का पालन करिए। आपका नाम क्या है बाबू? सर हर्षित राय। अच्छा, आपकी क्या सपना है? सर इंडियन नेवी बनना है। इंडियन नेवी, बहुत अच्छा, एकदम सपना पूरा होगा। आपका? प्रवीर पांडे। आपका क्या सपना है? सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपका नाम क्या है? आलोक राय। क्या सपना आपका? सर आर्मी। आर्मी में जाएंगे, चलिए सलूट है आप जैसे लोगों को। कुछ अगर मैं कहूँ एक आध गीत सुनाने के लिए तो सुनाएंगे? सर नहीं, कुछ नहीं। सर गौरव राय। सुनाएंगे गाना? नो सर। आप क्या बनना चाहते हैं? सर यूपी पुलिस। और ये यूनिफॉर्म में है आपका? अरे सर जाना है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। आइए कुछ बच्चों से और एक्टिविटीज हम जानकारी लेते हैं। आज प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इनका पूरा नाम क्या है? सर नरेंद्र दामोदर, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बहुत अच्छा है। शिवम यादव जी, मुझे लगता है अभी यूपीपी में जाएंगे, कर्नल बनना है। कर्नल, कुछ बताइए अपने बारे में, किसमें इंटरेस्ट लेते हैं आप? हम फुटबॉल में। फुटबॉल में, क्रिकेट कभी? अच्छा अच्छा, कभी जिले स्तर पर प्रोग्राम हुआ है? चलिए ठीक है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है, इसके वास्ते निसार है, मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, बच्चों के विचारों को, इनके एक्सप्रेशन को, इनके थॉट्स को, इनके व्यूज को आप तक पहुंचाना। ये सारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और एक अच्छी शिक्षा दे करके हमें आगे बढ़ाना है। ऐसे और एक काम आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप वीडियो में इसलिए बना रहा हूं ताकि इनके टैलेंट को, इनके विचारों को आप तक पहुंचाया जाए, ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, थोड़ा बच्चों का वीडियो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।